हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ पपीते की सब्जी बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए, मैंने दो पपीते लिए हैं, इस तरह के दो पपीते हैं। इसको मैंने अच्छे से पानी से धुल लिए हैं और इसे मैं अब इसका छिलका सबसे पहले हटाऊँगी और इसको कट करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ऐसे कट करूँगी। सबसे पहले इस तरह से कट कर लीजिए, फिर दोनों तरफ से यहाँ से भी आप इस तरह से कट करें, इसलिए हटा दें और आप इसको प्लेट ले लें, उसमें इस तरह से पहले चार भागों में कट करके कच्ची का इस तरह से हटाएं, हटा करके और इसे साफ करें, पानी में डाल करके इसे धुलें। उसके बाद में मैंने एक प्याज लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। एक प्याज को मैं कट करूँगी, थोड़ा सा लहसुन, चार पांच लहसुन की कलियां ले लें इस तरह से, और एक मिर्च मैंने लिए हैं, जीरा लिए हैं, इन सबको। तो चलिए मैं सबसे पहले पपीते को काट लेती हूँ। हींग डालूंगी इसमें, मैं हींग ली है, तो चुटकी के लगभग हींग डालेंगे। तो चलिए अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पपीते को अच्छे से कट कर लिया है। इसमें जो उजला उजला जो होता है वो मैंने हटा लिया है। इसी तरह से इसी साइज से आप ही कट कर लें और यकीन मानिए इसकी सब्ज़ी इतनी पौष्टिक और अच्छी होती है, खाने में कुछ करने लायक नहीं। तो चलिए, मैंने यहाँ गैस ओपन कर लिए है और इसमें मैंने डाल करके अब इसे मैं अच्छे से देखूँगी तेज फ्लेम पर ही, इसे सीख के अच्छे से ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख लें। उसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं पपीते के, जो मैंने कट किए थे सब्जी। उसके बाद प्लेट में ट्रांसफर कर ले, इस तरह से निकाल ले। उसके बाद में जो तेल बचेगा मैं उसके लिए यूज करूँगी, एक्स्ट्रा में तेल डालूँगी नहीं, लगभग आधी चम्मच के लगभग तेल बच जाएंगे। आप देख सकते हैं वो तेल कैसे बचेंगे। उसमें मैं सबसे पहले जीरा डालूँगी, तो मैंने इधर रखा है जीरा, ओनियन प्याज कटा रखा हुआ, प्लस लहसुन, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल ले, सेक लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, इस तरह से आधी चम्मच इसे आप देख सकते हैं तेल बचा है, और अच्छे से कर रख लेंगे। उसके बाद में आप इसमें लहसुन जो मैंने कट किए हैं वो आप इसमें डाल दें, इस तरह से लहसुन हल्का सा कुछ जाएगा। तो मैं इसे प्याज डालूँगी, प्याज ऐड करूँगी, फ्लेम को हल्का सा तेज कर दें, टिक गया अच्छे से इस तरह से। अब आप इसमें ओनियन डाल दें, ओनियन को भी अच्छे से भूनें। उसके बाद में मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जो आप देख सकते हैं लेंगे एक चम्मच इसके बाद, क्योंकि हाफ चम्मच के लगभग मैंने भून कर रहे हैं। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है सब्जी में। आप देख सकते हैं प्याज हल्के से भून गया है। अब इसमें आप मसाले ऐड कर रहे हैं, मैंने आधी चम्मच के लगभग सब्जी मसाला लिया है, एक चुटकी के लगभग मैंने मिर्च पाउडर लिया, क्योंकि मैंने मिर्ची डाला भी है। इसमें ज़्यादा तीखा सब्जी के पपीते की अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कम ही डालें। देखिए मैंने हाफ स्पून के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाले, इसमें मैं ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करूँगी, हल्का सा एक से दो चम्मच के लगभग मैंने इसे पानी रखी मसाला साफ इसी तरह से भूनने के बाद में पपीता। आप देख सकते हैं प्याज मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसे पपीते को ऐड कर लें, अच्छे से इस तरह से ऐड करके मिक्स करें, मिक्स कर लें इस तरह से, और इसे ढक करके लगभग पाँच मिनट के लिए इसे पकाएं। इसके बाद आधी चम्मच के लगभग मैंने नमक ऐड किए हैं, इस तरह से आदि कर लें और चलिए अभी इसमें ढक देती हूँ। दो मिनट के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। दो मिनट हो चुके हैं, मैं इसे ढक्कन हटा कर इसे देख रही हूँ, ये सबसे बन गया है कि नहीं, लग गया है कि नहीं। देखिए परफेक्ट सब्जी बन चुकी है। तो चलिए मैं इसे अब लोग को सर्व करते हुए दिखाती हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने ये सब्जी बना ली है पपीते की, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी। आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, मैंने जिस तरह से आप लोग को बताया उस तरह से ट्राई करें,
और प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।